दोस्तों भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि लक्ष्मी ऋषि की जान को बचाने के लिए जाती है, क्योंकि ऋषि की जान इस समय खतरे में है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि ऋषि जो कि जिस बच्चे को बचाने के लिए बार बार संघर्ष कर रहा है, वो बच्चा अचानक ही एक खाई में गिर जाता है, क्योंकि उस बच्चे से कहीं ना कहीं ऋषि का थोड़ा अटैचमेंट था। और पंडित ने जैसे बोला था ऋषि से कि तुम्हारी कुंडली खतरे में है और लक्ष्मी ही बचा सकती है। और बात की जाए तो लक्ष्मी से पंडित ने भी यही बोला था कि लक्ष्मी आप हमेशा ऋषि के साथ रहना और ऋषि को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, जब तक आप साथ हो आप उसके लिए भाग्यशाली हो ऋषि के लिए। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों ने शुरू से देखा होगा कि किस तरीका से हमेशा की तरह एक बार फिर से लक्ष्मी करेगी ऋषि की मदद, क्योंकि अगर लक्ष्मी नहीं होती पास में ऋषि के में तो ऋषि को कुछ भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से ऋषि को बचा लेती हैं लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी को पता है कि ऋषि के आसपास रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि पंडित ने पहले ही बता दिया था, ये संकेत पहले ही दे दिया था कि एक बार फिर से ऋषि की जान को खतरा है। लेकिन दोस्तों मलिष्का की अगर बात की जाए तो मलिष्का और बात की जाए ऋषि की मॉम यानी कि नीलम की, तो फिर से कोई ना कोई एलिगेशन लगाती जरूर आएंगे लक्ष्मी के ऊपर, क्योंकि लक्ष्मी के ऊपर वो शुरू से ही कोई ना कोई एलिगेशन लगाती नजर आई हैं। और एक बार फिर से जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ऋषि को जो एक बहू का दर्जा होना चाहिए वो इस घर में कभी नहीं मिला है। और आप लोग जानते ही हैं कि लक्ष्मी ने कितनी मदद की है इस फैमिली की, लेकिन इस फैमिली ने कभी भी लक्ष्मी का कोई भी एहसान नहीं माना है। लेकिन इस बार जो कि नीलम को पूर्ण भरोसा हो जाएगा कि हाँ वाकई में लक्ष्मी कितनी ज़्यादा भाग्यशाली है इस घर के लिए, क्योंकि नीलम जानती है कि इस समय ऋषि की जान खतरे में है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो ना होना चाहिए। आप लोग जानते ही हैं कि हमेशा की तरह लक्ष्मी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है ऋषि की फैमिली को सपोर्ट करने की और ऋषि को हर समस्या से बचाने की। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक अवश्य करें एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस।